अयोध्या में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री व पूज्य संत समाज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के राष्ट्रीय पदाधिकारियों द्वारा राम मंदिर की भूमि पूजन किया गया। इस उपलक्ष्य पर बिलासपुर बजरंग दल इकाई ने अधिवक्ता तुषार डोगरा के नेतृत्व में वन विभाग की नर्सरी में पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया। ये कार्यक्रम अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा है, इस नाते वहाँ प्रत्येक कार्यकर्ता ने एक वृक्ष लगाया, जो वृक्ष भगवान श्री राम को अर्पित किया गया। ये संपूर्ण समाज के लिए एक गौरवमय क्षण है। इसी क्षण को अमर बनाने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। अधिवक्ता तुषार डोगरा ने कहा कि पिछले 500 सालों से इतिहास में विश्व का सबसे बड़ा राम मंदिर का आंदोलन था, जिस आंदोलन को हिंदू समाज की कई पीढ़ियों के द्वारा लड़ा गया। छिहत्तर युद्ध इसमें लड़े गए। 70वें युद्ध को कानूनी प्रक्रिया के द्वारा 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद जीता गया। वे पूर्ण भारतवर्ष 135 करोड़ लोग आज बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि भगवान राम राष्ट्रीयता के सबसे बड़े प्रतीक हैं, क्योंकि भारत की आत्मा हमारा संविधान है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ये बात सत्यापित की गई कि भारत के सबसे बड़े राष्ट्रपुरुष भगवान श्री राम हैं। उन्होंने संविधान के सबसे पहले पन्ने पर भगवान श्री राम का चित्र अंकित किया, जो दर्शाता है कि भारत में राम की महिमा क्या है व राम का राष्ट्रीय भाव हम सबको प्रस्तुत करता है। आज पूर्ण विश्व के संत समाज के प्रतिनिधियों ने वहां भाग लिया, जो कि एक कुंभ के समान आज दर्शन पूरे भारतवर्ष ने किए। और अयोध्या के अंदर जो मंदिर बनकर तैयार होगा, पूरा वह विश्व का सबसे सुंदर अलौकिक स्थान होगा। आज हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय है कि हम वह पीढ़ी हैं जो इस मंदिर निर्माण को बनते हुए व उसके उपरांत इस मंदिर के दर्शन भी कर पाएंगे। लगभग 25 से अधिक पीढ़ियां व पूर्वज इस सपने को साकार होते होते अपने प्राणों की आहुति उन्होंने दी, वे आज उसी का परिणाम हम सब के सामने आया है। जिला कांगड़ा में संडे ACF एक्टिव केस फाइंडिंग की शुरुआत की गई है, जिसमें आशा वर्कर घर घर जाकर संडे को स्क्रीनिंग कर रहे हैं और जिनमें टीवी के लक्षण लगते हैं उनके सैंपल भी ले रहे हैं, जिसके माध्यम से केस डिटेक्ट होना शुरू हो गए हैं। ये जानकारी ADC कांगड़ा राघव शर्मा ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित 4 बैठकों की अध्यक्षता करने के उपरांत दी। ADC ने कहा कि टीबी उन्मूलन के लिए 2022 तक टारगेट अचीव करने का निर्णय लिया गया है, उसके टारगेट की समीक्षा की गई है। सरकार की ओर से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें मरीजों का उपचार हुआ है, उनका फीडबैक भी लिया जा रहा है। बैठक में निर्णय लिया गया कि शहरी क्षेत्रों में भी ACF कार्यक्रम को ICDS के माध्यम से चलाने के लिए प्रदेश सरकार के समक्ष मामला उठाएंगे। जो गैप है उसे आइडेंटिफाई कर दूर करना चाहेंगे। कोविड को लेकर भी पूरे हिमाचल में एक्टिव केस फाइंडिंग का अभियान चलाया था। कोविड से ज्यादा बोझ जो है टीवी का है, जिसे दूर करना है तो आबादी को लगातार स्क्रीन करना होगा, इस बारे निर्णय लिया गया है। टीबी की डिटेक्शन वर्तमान में 70% है। हमारा प्रयास रहेगा कि हम अधिकतर मामलों को फाइंड आउट करके ट्रेस और ट्रीट करें। टीबी के उपचार में देरी से ये बिगड़ जाता है और उपचार की कॉस्ट लाखों में चली जाती है। HIV एड्स पीड़ित लोग जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनके सोशल ह्यूमन राइट्स को किस तरह सिक्योर किया जाए, उनके साथ कोई भेदभाव ना हो। जिला में जो 1253 लोग हैं जो कि HIV एड्स के साथ जी रहे हैं, उनकी नीड असेसमेंट आगामी 3 माह में कंडक्ट की जाएगी। और किसी सरकारी योजना से ये लोग जुड़ना चाहते हैं या उन्हें कोई आवश्यकता नरेगा से है, स्क्रीनिंग से है, उस दिशा में काम किया जाएगा। छैला से चंडीगढ़ जाने वाली सड़क की हालत बेहद खस्ता है। ये सड़क व्यापारिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये बात कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री विनोद सुल्तानपुरी ने मीडिया के समक्ष कही। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ने इस सड़क का दर्जा तो बढ़ाया, लेकिन सड़क की हालत जस की तस बनी हुई है, जिसका खामियाजा यहाँ के स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं यहाँ से सेब और अन्य फसल ले जा रहे व्यावसायिक वाहनों को
काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रोष प्रकट करते हुए कांग्रेस महामंत्री विनोद सुल्तानपुरी ने कहा कि सुल्तानपुर रोड बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सड़क छैला से आरंभ हो रही है और वहां से सेब से लदे ट्रक इस सड़क के माध्यम से चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा जाते हैं, लेकिन इस सड़क की हालत बेहद खस्ता है, जिसके चलते दुर्घटना होने का अंदेशा बना रहता है। उन्होंने बताया कि आज भी दो ट्रक इस खराब सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, इसलिए वे चाहते हैं कि इस सड़क की हालत में जल्द से जल्द सुधार किया जाए, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो और इस सड़क से गुजरने वाले सभी लोग सुरक्षित रहें।